पे क्या है? अरे हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हर छठ की पूजा, तो मैं कर रही हूँ उसी की तैयारी। तो आप लोग भी देखिए कि मैंने किस तरीके से पूजा की तैयारी की और पूजा की है। तो चलिए पूजा करते हैं स्टार्ट। चौबन दिया है और मैं इस पे रखूंगी ये पाटा। आटे के ऊपर ये है हर सचिन फोटो, तो मैं अब इसको रखूंगी इस तरीके से। लोटा है, इसमें जल यहाँ रखूंगी सेंटर में। ये देखिए, ये है पेड़ ये, तो अब मैं इसको लगाऊंगी इसमें। लोटा मेरा ये है, इसमें मैंने जल भर के रख लिया है। देखिए मैंने बनाए हैं दो दीपक, तो ये पूजा की थाली है। थाली में मैंने ये, इसमें रोली रख ली है और चावल है। रोली है, चावल है, सिंदूर है, ये धूप बत्ती है और ये माचिस है। फूल, ये प्रसाद हो गया, ये है फल, ये है दही पूजा के लिए, ये है महुआ जो पूजा में लगते हैं, तो ये भी रखे मैंने। और ये है पसाई के चावल, ये भी लगते हैं, तो ये भी मैंने इसमें रख लिए हैं। ये है 7 तरीके के अनाज जो छठ माता पे चढ़ता है, षष्ठी माता पे, तो वो भी रख लिया है मैंने थाली में। तो ये मेरी थाली हो गई है तैयार, वो अभी मैं इधर रखती हूँ। ये है मेरी पूजा की किताब, ये पत्ते हैं, ये पत्ते पूजा में लगेंगे, तो इनको इस तरीके से तोड़ तोड़ के रख लेते हैं। जितने बेटे होते हैं उतने ही ये पत्ते लगाए जाते हैं। ये देखिए, ये है छुकरिया छोटी छोटी सी, ये भी पूजा में लगती है, तो जितने बेटे होते हैं हर बेटे की छह लगती है, पर बेटे की छह छह लगती है और छह लगती है हर षष्ठी माता की। तो अब मैं इनको भी कलर कर लूंगी। चलिए कलर करते हैं। पहले जो मैंने ये चावल बनाया था, इससे इनको लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने चावल से कर ली है, अब मैं इनमें करूंगी कलर इसमें इस तरीके से डॉट डॉट। अब इस रंग को मैं मिला लूंगी अपने रंग में, ये है, इसको मैं इन सारी कुल्हड़ियों में भर लेंगे कैसे, इसको भर लेंगे। ये जो पत्ते हैं इन पे मैं रखूंगी इसपे मैं रखूंगी महुआ। ये इस तरीके से मैंने पत्तों पे दही चावल और महुआ लगा लिया है। ये देखिए पूजा पूरी रेडी है और अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। पहले कलश पे बनाते सकती है और अब मैं करूंगी कलश की पहले बात। और अब मैं करूंगी छठ माता की पूजा, चढ़ाऊंगी जल और इसके बाद रोली, गणेश जी के रोली लगाएंगे, भोले बाबा के रोली, के रोली, जितने भी भगवान है उनको सबको लगाएंगे रोली, और जितनी माता है उनको लगाएंगे सिंदूर। अच्छा
पेड़ पौधे लगाएंगे, होंगे चढ़ाएंगे और कसाई का चावल साथ करेंगे, अनाज गौर को और भगवान महुआ चढ़ा देंगे सबसे। आप चढ़ाएंगे फल आप ले लेंगे, किताब खाली आप नहीं पढ़ते हैं ना, कुछ पढ़ूंगी किताब रात का नियम रात है के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में श्री आतो जी महाराज श्री शिव जी पार्वती जी की स्वामी का के जी तथा विघ्न विनाशक गणेश जी का ध्यान करके उठे हैं। शौचालय से निकृत होकर किसी नदी के जल से स्नान करें या पास में नदी ना हो तो कुएं के जल से स्नान करें। फिर दिन भर भगवान के चरित्रों का मनन तथा उनकी कीर्तन करते रहें। इस दिन किसी से सत्य बात ना कहें, कम बोलें, सदाचार से रहें, ब्रह्मचार्य से रहें, सब पात्र ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देवें, भूखों को भोजन करावे, किसी भी अन्य देवता की निंदा ना करें, किसी का अनिष्ट ना करें। परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य व्रत को करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पुत्रों आदि की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह शिवलोक को पूजा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलो बोले बाबा की जय, गणेश जी की जय। That you love me, tell me it was worth it. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel